आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन से ऊपर हो जाना चाहिए। रेडी, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे केवल 10 सेकंड, ध्यान से खेलिएगा, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन से ऊपर। पहला प्रश्न, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जिसको हमने शीर्षक दिया है ट्रिपल टेस्ट, यानी कि तिकड़ी। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, भारत में किस रोग से लड़ने के लिए इस स्लोगन का प्रयोग किया गया है, दवाई भी कड़ाई भी। इन द एफर्ट टू फाइट विच डिजीज वॉज दिस स्लोगन यूज्ड इन इंडिया, दवाई भी और कड़ाई भी। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, ए तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस, बी पोलियो, सी डेंगी, या डी कोविड-19। समय समाप्त हो गया, ये देखते हैं कि इसका परिणाम क्या है। सही उत्तर है कोविड-19, डी। अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया और कितने समय में दिया। एक को छोड़ के सभी ने दिया, और सबसे कम 1.54 सेकंड्स में आशीष कृष्ण ने जो उत्तर दिया है, वाह बधाई हो आपको। दूसरा प्रश्न अब आपके सामने आएगा, दूसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, राखी का त्योहार श्रावण मास के किस दिन मनाया जाता है, द फेस्टिवल ऑफ राखी फॉल्स ऑन विच डे ऑफ द लूनर मंथ ऑफ श्रावण। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, ए अमावस, बी अष्टमी, सी पूर्णिमा, डी एकादशी। समय समाप्त हो गया, आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। पूर्णिमा इज द राइट आंसर। आप देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया, और सबसे कम समय में किसने जवाब दिया है, अमित भाई, दीपक भाई यादव ने सही उत्तर दिया है। अब देखेंगे कि लीडर बोर्ड पर स्थिति क्या बनती है। पहले आशीष चल रहे थे नंबर वन पे, और अब पहुंच गए हैं, आशीष नीचे आ गए हैं और पहुंच गए हैं ज्ञान राज नंबर वन पे। ज्ञान राज लीडर बोर्ड में नंबर वन स्थिति में है। अब आएगा आपके पास तीसरा प्रश्न, यह निर्णय करेगा कौन हॉट सीट पर जाने वाला है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आधुनिक काल में इनमें से किस शहर ने 2 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है, एक 19वीं सदी में और दूसरी 21वीं सदी में। इन मॉडर्न टाइम्स विच ऑफ दीज सिटीज होस्टेड 2 ओलंपिक गेम्स, वन इन द 19th सेंचुरी एंड द अदर इन द 21st सेंचुरी। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, ए लंदन, बी एथेंस, सी अटलांटा, डी सोल। हो गया समय समाप्त, आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। एथेंस, बी इज द राइट आंसर। अब अपने हृदय को थाम कर रखिए, क्योंकि इसका जो निर्णय है वो तय करेगा कि कौन हॉट सीट पर जाएगा। देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है एथेंस। 1, 2, 3, 4, 5 को छोड़ के सबने सही जवाब दिया, और सबसे तेज जवाब किसका था, आशीष कृष्ण का सबसे सही जवाब। और देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे क्या पोजीशन बनती है। और ज्ञान राज अभी भी नंबर वन पे है। ज्ञान राज जी बहुत बहुत बधाई, आइए आइए वेल प्लेड साहब, आइए बधाई। बहुत बहुत बधाई आपको ज्ञान राज जी। सांसें आपकी ठीक चल रही हैं या नहीं है? हाँ, हम तो बहुत उत्तेजित हो गए हैं, हमारी जो सांस जो है वो रुक गई है। तो देवियों समझो, मेरे सामने इस नए दौर के पहले हफ्ते के पहले खिलाड़ी हॉट सीट पर आ चुके हैं। ये एक बहुत ही यंग साइंस टीचर हैं, उनका नाम है ज्ञान राज। ये नगड़ी झारखंड में बच्चों को नए नए रोमांचक तरीकों से शिक्षित करते हैं। ज्ञान राज जी हमें बताइए, ये जो आप शिक्षा देते हैं बच्चों को, ये किस तरह की शिक्षा होती है? मैं बच्चों को कोई नॉर्मल चीज़ों नहीं सिखाता, मैं बच्चों को कुछ अलग ही सिखाता हूँ। बच्चे जो हैं रोबोटिक्स और ड्रोन कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो यूजुअली किसी स्कूल में बच्चों को नहीं सिखाया जाता है, लेकिन झारखंड जैसे राज्य में, नगरी जैसे गाँव में बच्चे जो हैं रोबोटिक्स पर वर्क करते हैं, ड्रोन पर वर्क करते हैं। सुनने में थोड़ा असंभव सा लगेगा,
लेकिन मेरे प्रयास से यह संभव असंभव है। इसके बारे में हम लोग विस्तार में बात करेंगे ज्ञानराज जी, अभी तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी खेल की शुरुआत हो। ओके, तो आप अपने साथ अपने कंपेनियन के रूप में किन्हें लाए, पहले तो ये बताएं। सर, कंपेनियन के रूप में मेरी सिस्टर आई हुई है, मेरी सिस्टर का नाम है डॉक्टर ज्ञान ज्योति। प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और मेरी सिस्टर के साथ मेरी मम्मी भी आई हैं। आपकी माता जी आई हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ माता जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका। इतने सारे ज्ञान हैं आपके परिवार में। ज्ञानराज जी, खेल की ओर अब आपका ध्यान चला जाना चाहिए। जल्दी से जल्दी आपको हम नियम बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, एक धनराशि का जो है धनालय खड़ा हो जाएगा, जो कि प्रत्येक प्रश्न का आप उत्तर देते जाइए और ये बढ़ते जाएंगे आगे आगे। 1,000 रुपये से इसकी शुरुआत होती है, फिर 2 और आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच जाते हैं 15वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 1 करोड़ रुपये। 2 पड़ाव पड़ते हैं इस खेल में, 5वें प्रश्न पर 10,000 का, और दूसरा पड़ाव है वो 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपये का। और 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो डोर टू 7 करोड़ वाला द्वार है, सप्तकोटि द्वार, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपये का, 7 गुना ज़्यादा 1 करोड़ से उसका द्वार खुल जाता है। यहाँ पर एक टुकटुकी जी हैं, पहले टुकटुकी होती थी, अब इनका नाम हमने रख दिया है धुकधुकी, क्योंकि दिल की धड़कन जो है वो वैसे ही इन्हीं के आवाज़ से चलती है, लेकिन जो असली काम जो इनका है वो एक्चुअली है जुम्बा डांस सिखाना। जुम्बा जानते हैं क्या होता है? अच्छा, जनता में किसी को पता ही नहीं जुम्बा क्या होता है, पता है आपको? हाँ पता है ना, और जितनी नौजवान पीढ़ी उन सबको पता है, पर न जाने कैसे ऐसे कुछ आजकल की प्रचलित हो गया है जुम्बा डांस। ओके, और हम आपको बता दें कि पहले 5 प्रश्नों तक ये आपको देंगे 45 सेकंड, 5वें से 10वें प्रश्न देंगे आपको 60 सेकंड, और 10वें प्रश्न के बाद ये चली जाएंगे ये PhD करने के लिए जुम्बा में। ओके, ऑलराइट, आपकी सुविधा के लिए हमने देखिए 4 लाइफलाइन रखी हुई, जीवन दान रखा हुआ है, जैसे कि आपको पता होगा। ये आ गए, बगल में आ जाओ भैया। सबसे पहले है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता आई हुई है बहुत ही ज्ञानी। दूसरा है 50-50, 2 गलत प्रश्न जो हैं वो मिट जाएंगे, 2 बचेंगे, 1 सही 1 गलत। तीसरा है फ्लिप द क्वेश्चन, अगर आपको प्रश्न पसंद ना है तो इसे बदल सकते हैं। और चौथी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट, हमारे सलाहकार हैं यहाँ पर और उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे जो आज के सलाहकार हैं उनका नाम है ऋचा अनिरुद्ध जी। ऋचा जी, नमस्कार करता हूँ आपको, और एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वाह, साक्षात आपको कितने दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और हम सब बहुत प्रसन्न हैं। ऋचा जी जो है, देखिए ये यूट्यूब में जिंदगी विद ऋचा नाम से एक बहुत ही प्रचलित जो शो है उसे होस्ट करती है। तो ऋचा जी प्रणाम, स्वागत आपका, और आशीर्वाद दीजिए ज्ञानराज जी को। जी सर, ज्ञानराज जी, आपके तो पूरे खानदान के नाम में इतना सारा ज्ञान है, तो मैं उम्मीद करूंगी उसे ज्ञान का आप इस्तेमाल करें आज खेलने के लिए और एक बड़ी धनराशि जीत कर जाएं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साइंस पढ़ा कर गांव के बच्चों को। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद मैडम। तो मैं आपको बता दूं, हमारे दर्शकों को बताऊं कि 2011 से ऋचा जी हमारे साथ हैं सलाहकार के रूप में। सर, आपने कहा मैं 2011 से एक्सपर्ट के रूप में शो पर आ रही हूं, 10 साल हो गए सर। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कंटेस्टेंट्स तो पैसा जीतने के लिए शो पर जाते हैं, तुम शो पर क्यों जाती हो? और मेरा हमेशा सर 10 साल से एक ही जवाब रहा है, बच्चन सर से मिलने, उनको देख पाने और उनसे बात कर पाने के लिए हम जाते हैं। तो सर आप जहां खड़े होते हैं ना, सारी वजहें वहीं से शुरू होती हैं। अभी मैं सोने वालों को बोलने वाला हूं कि एक मुंह छुपाने की जगह होनी चाहिए हमारे लिए, हम अपना मुंह छुपा सकें जब आप लोग इस तरह से हमारी तारीफ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋचा जी, थैंक यू सो मच। तो इनका परिचय दे दिया हमने आपको, कभी भी आप किसी दुविधा में फंस जाएं तो चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, लाइफलाइन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति, प्रारंभ किया जाए। ज्ञानराज जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक्स सर, पूरा उपयोग कीजिएगा अपने ज्ञान की, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें करनी है आपसे आगे चल करके, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 1,000 रुपये, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म 3 इडियट्स के इस डायलॉग को पूरा करें, डैश तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। कंप्लीट दिस डायलॉग फ्रॉम द फिल्म 3 इडियट्स, डैश तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। विकल्प रखता हूं आपके सामने, ए बादशाह, बी शाहनशाह, सी जहांपनाह, डी महाराणा।
फिल्में वगैरह देखने का समय मिलता है कि नहीं आपको? हाँ सर, अभी तो समय थोड़ा कम मिलता है क्योंकि मैं पढ़ाई में ज़्यादा समय देता हूँ, तो समय कम मिलता है। हाँ सर, ऐसा लग रहा है जैसे झांपना झांपना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कंफर्म है? कंफर्म है। सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप सही हैं बिल्कुल। जहां बना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। देखी थी आपने? मैंने फिल्म देखी भी है सर, और इस फिल्म से काफी इंस्पायर्ड हूँ। मेरा लाइफ जो है इस फिल्म के किरदार रेंचो से मिलता जुलता है। वाह, यस सर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न। 2000 रुपए मूल्य इसका। अगला प्रश्न ये रहा, इनमें से किस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि मेन होता है और एडवांस्ड आयोजित की जाती है? जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन व्हिच इज द मेन एंड एडवांस्ड आर कंडक्टेड फॉर एडमिशंस टू व्हिच ऑफ दीज कोर्सेज? ए बिजनेस मैनेजमेंट, बी मेडिसिन, सी इंजीनियरिंग या डी लॉ? सी इंजीनियरिंग। कंफर्म? यस सर, कंफर्म। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। उत्तर बिल्कुल सही है आपका, बधाई आपको, 2000 जीत गए आप। सर मैं खुद कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैंने खुद जेईई मेंस दिया हुआ है। जी जी जी, बहुत खूब ज्ञान जी। 3000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आ रहा है, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर गिरा। डींगे हांकना यानी बढ़-बढ़ या बढ़ चढ़ के बातें करने के लिए इनमें से किस मुहावरे का उपयोग करेंगे आप? विच ऑफ दीज प्रोवर्ब्स इज यूज्ड टू ब्रैग अबाउट समथिंग? समझ गए प्रश्न को? ऑप्शंस, विकल्पों को समझिए। ए चंपत होना, बी शेखी भगारना, सी कान खाना या डी घी के दिए जलाना? सर ऑप्शन बी शेखी भगारना। बी शेखी भगारना, यस। ऑलराइट, शेखी भगारना कह रहे हैं, कंफर्म है कि नहीं? कंफर्म है सर। कंफर्म है? हाँ। बोल दिया कीजिए कि कंफर्म है। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, शेखी भगारना। धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आ गया है चौथा प्रश्न, मूल्य है इसका 5000 रुपए, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक गिलास पानी में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा भौतिक विज्ञान के किस सिद्धांत का उदाहरण है? फ्लोटिंग आइस इन अ ग्लास ऑफ वॉटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ और प्रिंसिपल इन फिजिक्स? और ये रहे आपके विकल्प, ए पास्कल्स लॉ, बी बॉयल्स लॉ, सी आर्किमिडीज प्रिंसिपल या डी बर्नौलीज प्रिंसिपल? पास्कल का नियम, बॉयल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत? सर ये तो आर्किमिडीज से रिलेटेड है, आर्किमिडीज ने इनकी खोज की थी, तो ऑप्शन सी आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज सी बोल रहे हैं, कंफर्म, ताला लगाया जाए इस पे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है, ये आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, आप जीत गए 5000 रुपए। ओके, ज्ञान राज्य पहला पड़ाव आ गया है, पांचवा प्रश्न, मूल्य है 10000 रुपए। पांचवा प्रश्न 10000 रुपए, खेल का पहला पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक ऑडियो प्रश्न है, गाना सुनाया जाएगा। पता नहीं शिक्षा के दौरान आपको संगीत वगैरह गाना वाना सुनने का अवसर मिलता है या नहीं। बहरहाल एक हम आपको गाना सुनाएंगे और आपको बताना होगा कि ये गाना किसने गाया है। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं, विकल्प हैं ये, ए अमित कुमार, बी उदित नारायण, सी कुमार सानू या डी बप्पी लहरी? सर आइडिया तो नहीं है इस गाने के बारे में, सिंगर का। मैं लाइफलाइन यूज करूंगा। शांत हो जाए, दुख दुखी जी, लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं ज्ञान राज जी। 34 सेकंड बचे हुए हैं आपके पास और चारों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लेंगे? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे, ऑलराइट, ऑडियंस पोल, इसको अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस, बारी आ गई है आपकी, गाना आपने सुन लिया है, ये गाना किसने गाया है? अमित कुमार, उदित नारायण, कुमार सानू या बप्पी लहरी? समय आपका शुरू होता है अब।
समय समाप्त हो गया और ये ग्राफ भी आ गया है। ए को मिले हैं 24, बी को दिया है 17%, सी को मिले हैं 31 सबसे ज्यादा, और डी को मिले हैं 28, यानी ऊपर नीचे सब जा रहा है। देखिए एक बार बता दें हम आपको कि हालांकि जनता जो है बड़ी शिक्षित है, लेकिन कई बार ये गलत भी हो जाते हैं। सर मैं नेक्स्ट लाइफलाइन यूज करना चाहता हूं। एक और लेंगे? चुप हो जाओ भैया, कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन यानी इसको बदल देंगे आप? वाह, ऑलराइट कंप्यूटर जी बदल दीजिए इस प्रश्न को, पहले तो इसको अंकित कीजिए। और प्रश्न बदलने से पहले हमें बताना पड़ेगा हमारी जनता को और ऑडियंस को भी, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे गए थे, कि इसका सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। सी कुमार सर। चलो क्या करें, कंफर्म करें? चलो कर लीजिए। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। गलत था भैया, सी। बच गए भाई साहब आप। सही उत्तर है अमित कुमार, किशोर कुमार जी के सुपुत्र। मूवी थी हिम्मत वाला, गायक थे अमित कुमार और श्रेय घोषाल, संगीत निर्देशक थे साजिद वाजिद, और इन्होंने रिक्रिएट किया था ये गाना। तो आपने सही किया, एक और लाइफलाइन ले ली, बच गया। तो जैसा कि आपने कहा था, इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। हमने आपको शुरू में बताया था कि इसकी भूमिका हम बताएंगे कैसे होती है। यहाँ आने से पहले हमने आपके सामने कुछ विषय रखे थे और कहा था इन विषयों में से आपको चुनना पड़ेगा। ये है वो सूची उन विषयों की, एंटरटेनमेंट, ज्योग्राफी, साइंस, नेचर, रिलीजन वगैरह। और आपसे कहा था किसी एक विषय को चुनिए आप। किसे चुना आपने? रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। रिलीजन, कल्चर, माइथोलॉजी को चुना है आपने। और रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी के ऊपर ज्ञान आराध्य जी के सामने अगला प्रश्न पेश कीजिए। इनमें से किस देवता को नंदीश्वर और चंद्रनाथ के नाम से भी जाना जाता है? Which of these gods is also known as Nandishwar and Chandranath? Option सुनिए। A. Lord Shiv, B. Lord Brahma, C. Lord Indra या D. Lord Kartike? Option A. भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, इंद्रदेव या भगवान कार्तिके? Option A. भगवान शिव। भगवान शिव कंफर्म है? कंफर्म। कंफर्म हो गए, इसको ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये सही जवाब है आपका, भाई साहब जीत गए। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने ज्ञानराज जी, 10,000 रुपए के विजेता हो गए हैं। और आज यहाँ से कम 10 अवश्य ले जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और आगे पढ़ें। जितने भी बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं उसमें उनकी और बढ़ोतरी हो। ओके, अच्छा अपने दर्शकों को हम बता दें और अपने ऑडियंस को भी बता दें, देवियों सज्जनों बहुत मिस किया हमने आप लोगों को। वो क्या बताएं, आप लोग नहीं थे पिछले साल, इतना कष्ट हुआ हमको। आप लोग हैं यहाँ तो न जाने क्यों एकदम उत्साहित हो जाते हैं हम लोग, इसलिए आप लोग जब चीखने चिल्लाते लगते हैं ना हमें बहुत अच्छा लगता है। ऑलराइट, हमने एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ आपके ऊपर, कैन यू सी द वीडियो क्लिप प्लीज? डू यू नो व्हाट इज अ रोबोट? Are you seeing something? कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें? इसे हॉर्न देख रहे हो? ये हॉर्न जो है ये कहाँ से है पता है? हम लोग इस टाइप से लड़ी बल्ब दिवाली में अपने घरों में लगाए होंगे, ठीक है? बता सकते हो उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस है? तो आप लोगों में से कौन कौन इसरो जाना चाहते हैं, प्लीज रेज योर हैंड। अगर मुझे ये बताना हो कि ज्ञानराज कौन है तो मैं बोलूँगा कि ज्ञानराज कोई एक स्पेशल पर्सन नहीं है, एक टीचर है, पर एक ऐसा टीचर है जो चाहता है कि चेंज आए। जब से मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट की थी तो मुझे स्कूल में इनवाइट किया गया था। बच्चे इस बात के लिए खुश थे कि चलिए उनका कोई सीनियर जो है आज इंजीनियर है। थोड़ा मेरे टीचर ने एक बात मेरे को कही, अकेले इंजीनियर होगे जो इस गाँव से बने, लेकिन अगर तुम ये डिसाइड करते हो तो इन बच्चों को गाइड करोगे तो हो सकता है कि आज एक इंजीनियर है कल यहाँ से 1000 इंजीनियर हो। तो ये बातें जो है मेरे दिमाग में काफ़ी असर की और मुझे लगा जॉब में नहीं जाना, मैं कोई जॉब नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं वापस अपने गांव में लौटूं और अपने गांव का जो बैकवर्डनेस है, अपने गांव का जो पिछड़ापन है, इसको दूर करूं।
साइंस में मुझे रुचि था लेकिन सर की वजह से कुछ ज़्यादा आया। सर बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को डिटेल में समझाते हैं और उसके पीछे का हिस्ट्री बताते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। भैया मैं किताबी कीड़ा नहीं बनाते हैं, सिर्फ घर में जाकर साइंस के बारे में ही सोचते हैं। मेरा सिलेक्शन हुआ नेशनल लेवल तक तो गांव वाला सोचा कि ये इतना लोअर कास्ट लड़का ऐसे आगे कैसे बढ़ा। तो यहाँ पे तुम लोगों को दिखाई दे रहा है कैमरा लगा हुआ है। उस कैमरा से क्या है कि जो भी चीजें ये शूट कर रहा है यहाँ पे मोबाइल में कैप्चर होता जा रहा है। बच्चे जो है पतंग से ज्यादा तो ड्रोन उड़ा रहे हैं। इनके पढ़ाई की वजह से मेरी बच्ची अभी इंस्पायर अवार्ड में 10,000 रुपया इनको मिला था। मेरी बच्ची को हमको बहुत खुशी हुआ था सुन के। मैं चाहूँगा कि जब मैं केबीसी में आऊँ तो मैं अमिताभ बच्चन जी की सहायता से अपनी जो आइडियोलॉजी अपनी जो सोच है उसे मैं पूरे भारत तक पहुँचाऊँ। अद्भुत काम कर रहे हैं आप ज्ञानराज जी। थैंक यू सर। और बहुत ज्यादा प्रशंसा के आप योग्य हैं और हमें बड़ा गर्व हो रहा है। सही में कितना कुछ आपने अपने बच्चों को सिखाया है और वो भी ऐसे गांव में जहां बच्चों को शायद इस बात का ध्यान ही नहीं था कि साइंस साइंस का इन्वेंशन रोबोट्स हो ड्रोन्स हो इनके बारे में। सर अभी आप जिन बच्चों को यहाँ पर टीवी में देख रहे हैं या इनका अभी इंट्रोडक्शन में वीडियो दिखाया गया ये ऐसे बच्चे हैं जो कभी गाँव से बाहर नहीं आते लेकिन आज ये बच्चे जो हैं भारत की राजधानी दिल्ली में आकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। ये बच्चे जो हैं नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट भी करते हैं और प्राइज भी जीतते हैं। ये वो बच्चे हैं जिसको कहा जाता है कि कभी प्रेयर असेंबली में बोलना होता था तो बोलने में घबराते थे लेकिन आजकल ये टीवी में इंटरव्यू भी देते हैं। जैसे है कि मैं खुद एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और जब कंप्यूटर इंजीनियर होता है तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी में वर्क करता है। मैं भी चाहता तो मैं भी किसी प्रकार का कॉर्पोरेट लाइफ में जा सकता था लेकिन मैंने जो सोचा कि नहीं मुझे 9 to 5 का जॉब नहीं करना। बड़े कंपनीज में आपके पास ऑफर आए आप वहाँ गए? मैंने ना कर दिया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपने गांव को आगे बढ़ाऊँ और मुझे अच्छा लगता है कि जब मेरे बच्चे इस प्रकार से प्राइज जीतते हैं पुरस्कार जीतते हैं यहाँ से सम्मानित होते हैं मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये खुशी मुझे वो 9 to 5 की जॉब में नहीं मिल पाती। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। कैसे आपके मन में आए और किस तरह आपने परिचय दिया कि ड्रोन क्या होता है रोबोटिक्स क्या होती है अपने बच्चों को कैसे समझाया आपने? जब मैं वापस गांव में आया तो पहला काम जो था वो था कि बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करना कि वो भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब स्कूल में ATL स्टार्ट हुआ तो बच्चों को ATL के साथ जोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था क्योंकि ATL बच्चों के लिए हम नई चीज़ थी। यहाँ ATL क्या हुआ? ATL का फुल फॉर्म सर अटल टिंकरिंग लैब। ये जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने की एक पहल है और कहा जाए कि ATL की मदद से उन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। बिल्कुल सर। तो जब ATL की शुरुआत हमारे गांव में हुई तो शुरुआत जो थी वो काफ़ी स्ट्रगलिंग थी मेरे लिए भी बच्चों को इस चीज़ के लिए तैयार करना। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहा पेरेंट्स के साथ जब मैं पेरेंट्स को ये बताता था कि मैं बच्चों को रोबोटिक्स में सिखाने जा रहा हूँ ड्रोन मेकिंग सिखाने जा रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने जा रहा हूँ तो उनका कहना था उनका रिएक्शन ऐसा था कि बच्चे ये सीख कर करेंगे क्या, बच्चे जो हैं किताब पढ़ ले डिग्री हासिल कर ले शादी कर ले बस काम कर दें। लेकिन आपने देखा जब आपने बच्चों से पूछा कि आप में से कौन इसरो जाना चाहता है सब के सब ने अपना हाथ उठाया। ये बहुत बड़ी बात कि अभी से वो सोच रहे हैं कि वहां जाएंगे इतनी बड़ी संस्था में जाकर करके काम करेंगे। तो आपके जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें से कोई पहुंचा है क्या इसरो? हाँ सर, अभी ATL में हम लोग बच्चों को प्रयास करते हैं कि वो बहुत से नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें। अभी हाल में इसरो ने कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया था स्पेस बीच और मुझे ये बताते हुए काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि पूरे भारत से सिर्फ 50 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और एक बच्चे का सिलेक्शन हमारे स्कूल से हुआ था उसका नाम क्या था बात है? मुस्कान की। बहुत गुड। और सर इसमें एक बात और है वो ये है कि जब 12वीं की परीक्षा हुई थी तो मैं अपने राज्य का स्टेट टॉपर था और जब मैं अपने राज्य का स्टेट टॉपर था तो मुझे इसरो की ओर से खुद ऑफर आया था कि आप हमारे यहाँ ये पढ़ाई कीजिए और लेकिन ठीक उसी टाइम जो था कि मेरी माँ का जो ब्रेन हेमरेज हो गया था यानी वो एक तरीके से मनी मूवमेंट उनका रिस्ट्रिक्ट हो गया था और उस वक्त मेरे पास एक सवाल था कि क्या करूँ मैं इसरो को चुनूँ कि माँ को चुनूँ।
मैंने माँ को चुना, लेकिन आज उस बात का अफसोस नहीं होता है। अफसोस इसलिए नहीं होता है कि भले मैं इसरो नहीं जा पाया, लेकिन आज मेरी माँ ने इतना आशीर्वाद दिया मेरे को, मेरे मेहनत के कारण मैं अपने बच्चों को इतना काबिल बना रहा हूँ कि इसरो खुद उन्हें इन्वाइट कर रहा है, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। वाह वाह, क्या बात है। माता जी आप स्वस्थ हैं? आपको बड़ा गर्व होना चाहिए माता जी। ऐसा है कि मैंने अपने बच्चे को इस बात की परवरिश दी है कि अपनी माँ और माटी से बढ़कर कुछ नहीं है, और हर दम मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि कर्म अपना सही रखो, फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल। वाह क्या बात है। आपके पुत्र न केवल उदाहरण है, आप स्वयं एक माँ का उदाहरण है पूरे देश भर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है, कुछ चीज़ें बता दो। एक तो ये जो दुखदुखी जी हैं ये थोड़ी सी उदार हो जाएंगी। अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि कठिनाई जो है प्रश्नों में वो बढ़ती चली जाएगी। छठा प्रश्न, 20,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस अग्रणी उद्योगपति और समाज सेवी का चित्र है? दिस इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ विच पायनियरिंग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। एक छवि दिखाई जाएगी आपको और आपको बताना पड़ेगा ये कौन है। ये रही छवि। अच्छी तरह से आपने चित्र देख लिया। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं और आपके विकल्प हैं ये, ए अर्धशीर गोडरेज, बी घनश्याम दास बिरला, सी वालचंद हीराचंद दोषी, या डी जमशेद जी टाटा। सर ऑप्शन डी जमशेद जी टाटा। कंफर्म है? हाँ सर, इन्होंने झारखंड में पूरा एक टाउन ही इन्हीं के नाम पर है जमशेदपुर, तो दूसरा नाम टाटा भी कहा जाता है और झारखंड की एक पहचान भी है, तो ये जमशेद जी टाटा। कंफर्म? कंफर्म। कंफर्म कर दिया है ज्ञान राज जी ने। कंप्यूटर जी डी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने भाई साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको। 20,000 रुपये आप जीत गए। तो ये जो चित्र आपने अभी अभी देखा, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से संभव हो पाया, इसके लिए उनका हम अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं। और ज्ञान राज जी अब आ रहा है अगला प्रश्न, जिसका मूल्य है 40,000 रुपये, और ये है 7वां प्रश्न। बहुत ध्यान से खेलिएगा, दो लाइफलाइन जो है वो आपके चले गए। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक फिल्म में ये वाक्य किसने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इस चुनौती को पूरा करने में उन्हें 22 वर्ष लग गए। Who said in a film, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, and undertook a challenge that took 22 years to realize? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, बी दशरथ मांझी, सी शकुंतला देवी, डी आनंद कुमार। सर ऑप्शन बी दशरथ मांझी। ऑप्शन बी दशरथ मांझी कह रहे हैं। सर कंफर्म है? कंफर्म है। कंफर्म कर दिया है ज्ञान राज जी ने, बी बताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी कौन है दशरथ मांझी? सर इन पे तो एक मूवी भी बनी है माउंटेन में, इन्होंने एक पहाड़ को अपनी पत्नी के कही एक तरीके से श्रद्धांजलि दी है, पूरे पहाड़ के कारण उनकी पत्नी का डेथ हो गया था, उन्होंने तय कर लिया था कि इस पहाड़ के कारण उनकी पत्नी का डेथ हुआ है, तो इस पहाड़ को यहाँ से हटा दी, और उन्हें बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बहुत बहुत बधाई आपको, 40,000 रुपये जीत गया। उन्होंने एक पहाड़ को काट कर उसके बीचों बीच रास्ता बनाया था, इस कार्य को करने में उनको कुल 22 वर्ष लग गए थे। केतन मेहता के निर्देशन में 2015 में उनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम था मांझी द माउंटेन मैन। सर कुछ हद तक तो मेरा लाइफ भी कुछ इसी तरीके से है कि मैंने भी एक तरीके से कहा जाए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये लाइक मेरे लाइफ में भी आ सकता है, क्योंकि जब मुझे पेरेंट्स लोगों को इन्फ्लुएंस करना था, उनको समझाना होता था कि बच्चों को एटील के साथ जुड़े, मुझे समय नहीं मिलता था, मंडे टू सैटरडे स्कूल में रहता था, तो फिर बच्चों गार्जियंस को कैसे समझाओ,
तो फिर अभी क्या 2017 से जब से मैं स्कूल में हूँ मैंने कोई संडे नहीं मनाया, नियरली 4-4.5 साल हो गए हैं, मेरा कोई संडे नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है। जब भी होता है, जब भी छुट्टी मिलती है, मैं गाँव में जाता हूँ, फील्ड में जाता हूँ, पेरेंट्स से बातचीत करता हूँ, उनको कन्विंस करता हूँ। और आज जब बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं तो पेरेंट्स धीरे धीरे उनमें जागरूकता आ रही है, तो वही बोलूंगा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी अभी हमने देखा था एक पिताश्री जो थे कह रहे थे कि कितने उनको गर्व की बात है कि नहीं। क्या ना जी, खेल में आगे बढ़ते हैं। दो लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, दो बची हुई हैं, 50-50 और आज दी एक्सपर्ट। और अगला प्रश्न जो कि आठवां प्रश्न है, आपको दे सकता है 80,000 रुपये। 80,000 रुपये जीतने के लिए इस अगले प्रश्न का सही उत्तर दीजिए और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किस दिग्गज साहित्यकार की पहली कहानियों में से एक थी जो कि कानपुर के जमाना नामक उर्दू पत्रिका में छपी थी। विच रिनाउंड ऑथर्स इनिशियल स्टोरीज इंक्लूड दुनिया का अनमोल रत्न पब्लिश इन एन उर्दू जर्नल फ्रॉम कानपुर नेम्ड जमाना। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, ए मुंशी प्रेमचंद, बी फिराक गोरखपुरी, सी सादत हसन मंटो, डी राजेंद्र सिंह बेदी। सर ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद। तुरंत उत्तर दे दिया आपने। हाँ सर, मैंने इसे पढ़ा है। पढ़ा हुआ है और यानी इसको पढ़ने के साथ जब मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ रहा था तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता भी चली थी, तो याद है ये क्वेश्चन। क्या करना चाहेंगे? ऑप्शन ए को सर लॉक कर दिया जाए, मुंशी प्रेमचंद। कंफर्म है? कंफर्म है, ए पे कंफर्म है, ज्ञान राज्य मुंशी प्रेमचंद, इस पे ताला लगाया जाए। आठ प्रश्नों पे आपको मिलने वाले थे 80,000 रुपए। आपने कहा कि आपने ये कहानी पढ़ी हुई है। राजेंद्र सिंह बेदी भी बहुत ही प्रख्यात लेखक और उनकी भी बहुत सारी कहानियां जो हैं शायद आपने पढ़ी हो, सुनी हो। राजेंद्र सिंह बेदी बोलते तो आप गलत होते। मुंशी प्रेमचंद बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 80,000 रुपए आप जीत गए हैं। ये कहानी देशभक्ति की भावना पर आधारित है और खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे उसे दुनिया का सबसे अनमोल रतन माना गया है। और अभी हाल ही में मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, उनकी 141वीं जयंती अभी हाल में बीती है 31 जुलाई को, और बाबू जी के जमाने के भी थे और संबंध रहता था उनका। मुझे तो इस बात का गर्व है कि इनके जो सुपुत्र थे वो हमारे साथ इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त करते थे, तो हमारे लिए तो बस इतना ही बहुत ही धन्य हो गया। छोटे थे 4-5 क्लास में सबसे तक। मान्यवर एक थोड़ा सा इधर उधर का प्रश्न पूछ लेता हूँ आपसे। दिन भर आप अपने काम में लगे रहते हैं, कुछ और करने का समय मिलता है कि नहीं आपको? सर अभी जब से स्कूल में ज्वाइन हुआ है स्कूल में वर्क। बहन हंस रही है, मतलब समझ गई है कि हम हमारी दिशा किस ओर है। जनता भी शायद समझ गई, बहुत शांत बैठी है। स्नेह, क्या बोलते हैं उनको, लव लाइफ, शादी ब्याह, इस ओर कभी ध्यान गया? अच्छा माता जी शांत बैठी हैं, अब उधर मत देखिए जी। सर मेरा तो शादी ब्याह पर ध्यान नहीं गया है, लेकिन माँ लगी हुई है रिश्तों में, लगी हुई है कि कहीं से इसका रिश्ता तय कर दिया जाए। और अभी तो केबीसी में आए हैं तो काफी खुश भी हैं, उनको लग रहा है कि अभी उनका काम बढ़ने वाला है। और जानते कि नहीं बात की ऐसे जब से स्कूल में तब से तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कॉलेज के टाइम पे एक लड़की थी बसंत। मामला ये था कि थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, ज़्यादा शर्मीला हूँ, तो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो एक बार हुआ ये कि एक फ्रेंड था आया, बोला साथ में चलो यार कुछ काम है साथ चलते हैं, तो साथ में ले गया मेरे को कॉलेज कैंपस में। गए सीढ़ी पर सामने वही लड़की खड़ी थी, लगा यहाँ पे क्या करने ले आया है। मैं देख रहा हूँ कि मेरा फ्रेंड जाकर उसको प्रपोज कर। तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि जिस लड़की को हम पसंद कर रहे हैं उसको मेरा फ्रेंड प्रपोज। ये सारी बातें दिमाग में चल रही थी तब तक उस लड़की ने उसको एक थप्पड़ मार दिया। तो उसके बाद से मेरे को लगा कि ना ये सब मेरे से होने वाला नहीं है। हाँ। वापस साइंस और इनोवेशन में लौटो, और मैंने फिर ऐसा चीजें छोड़ दी। अच्छा सुनिए, सच सच बताइएगा,
इस बात से आप डर गए कि आपके मित्र जो है वो उनसे प्रेम करते हैं या जिनसे प्रेम किया उन्होंने थप्पड़ मार दिया है? जिनसे प्रेम किया उन्होंने उनको थप्पड़ मार दिया। तो इससे डर था आपको कि कहीं ना आपको भी ना पड़ जाए किसी दिन? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो दिखाया जाएगा आपको। इस वीडियो क्लिप में किस किसान यूनियन के नेता को इंटरव्यू किया जा रहा है? विच किसान यूनियन लीडर इज बीइंग इंटरव्यूड हियर? आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे। वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। हमको डिजिटल इंडिया कैंपेन से जुड़वा दो। प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया कैंपेन, हमको भी उससे जुड़वा दो। कैसे जुड़वा दे? उससे जुड़वा दो, उससे ही जुड़ जाएगा। जैसे गन्ने, जैसे हम तेल लिया पेट्रोल पंप पे, कार्ड दिया और फटाक देसी दो सेकंड में वो आ जाएगा कितना पैसा कट गया। हमने गन्ना दिया और गन्ना दे के जब तक किसान घर तक जाए उसके अकाउंट में चले जाए। देख लिया, समझ लिया। और आपके विकल्प है ये, ए गुरनाम सिंह चौधरी, बी राकेश टिकैत, सी दर्शन पाल, डी अविक साह। सर ये तो काफ़ी अभी फेमस हैं और काफ़ी समय से किसानों की चीज़ों को उठा भी रहे हैं। ये 6 महीने से दिल्ली में इन्होंने डेरा डाला हुआ है किसानों की समस्याओं को लेकर। ये हैं बी राकेश टिकैत। कंफर्म है? कंफर्म है। कंफर्म कर दिया है राकेश टिकैत को बी। कंप्यूटर जी ताला लगाइए सर। आप बिल्कुल सही हैं, आप जीत गए हैं 1,60,000 रुपये। राकेश टिकैत जो हैं वो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। वे 2020-21 किसान आंदोलन के दौरान सुर्खियों में आए थे जैसा कि आपने अभी कहा, और ये जो आंदोलन है उनका अभी भी चल रहा है। मान्यवर 10वां प्रश्न आने वाला है। ये है खेल का दूसरा पड़ाव, मूल्य है 3,20,000 रुपये। यदि आपने इसका सही उत्तर दिया 3,20 अवश्य यहाँ से जीत कर जाएंगे। ध्यान रहे कि आपके पास 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं। यहाँ पर आप चांस मत लीजिएगा, चांस लिया गलत हो गए तो नीचे गिर जाएंगे आप 10,000। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यह आ गया है प्रश्न की 2021 में राजपथ पर भारत के गणतंत्र दिवस परेड में किस दूसरे देश के सशस्त्र बलों के दल ने भाग लिया था? विच अदर कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस कंटिंजेंट took part in the Republic Day Parade of India at Rajpath in the year 2021. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, ए भूटान, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी मालदीव्स। सर यहाँ पर आइडिया नहीं आ रहा, मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाए दुखी जी, बहुत जल्दी ज्ञानराज जी ने कहा कि वो लाइफलाइन लेंगे। आपके पास दो बची हुई हैं, 50-50 और आस्ती एक्सपर्ट। सर मैं आस्ती एक्सपर्ट यूज करूंगा। ऑलराइट, ज्ञानराज जी आस्ती एक्सपर्ट लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, इसको अंकित किया जाए। और ऋचा जी आपकी बारी आ गई है। प्रणाम करता हूं आपको ऋचा जी। प्रश्न आपने सुन लिया होगा, एक बार फिर दोहराता हूं आपके लिए। 2021 में राजपथ पर भारत के गणतंत्र दिवस परेड में किस दूसरे देश के सशस्त्र बलों के दल ने भाग लिया था? और ऑप्शंस हैं ए भूटान, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश या डी मालदीव। जी ज्ञान जी इसका सही जवाब है सी बांग्लादेश। उनके कंटिंजेंट ने इस बार की जो परेड थी उसमें हिस्सा लिया था बांग्लादेश के आर्म्ड फोर्सेस के। थैंक यू मैम। सहमत हैं आप उनसे? हाँ सहमत। ऑलराइट, क्या करेंगे आप? ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश कंफर्म? कंफर्म। कंफर्म कर दिया सी बांग्लादेश पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऋचा जी, बहुत बहुत बधाई। और आप इनको धन्यवाद दीजिए। खेल का जो दूसरा पड़ाव वहां तक पहुंचा दिया इन्होंने आपको। इस दल में बांग्लादेश के वायुसेना, नौसेना और थल सेना तीनों के सैनिक शामिल थे। इस साल बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। और 3,20,000 रुपये आपने जीत, सबसे पहले तो हम एक चेक लिख करके आपको देंगे, तालियां बज जाए इनके लिए। 3,20,000 रुपये चाहते हैं कि ये आप देखें भाई।
अभी देंगे नहीं आपको, कैमरा ने देख लिया। ये इसलिए नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, इसको मैं यहाँ सुरक्षित रख रहा हूँ, क्योंकि हमको लगता है कि आप 3-20 से और आगे जाएंगे, फिर एक चेक लिखना पड़ेगा आपके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। धन्यवाद सर। और ये जन्मदिवस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इस बर्थडे के लिए मुझे अमिताभ जी से शुभकामनाएं मिल रही हैं, इससे बड़ा ऐसा बेहतरीन प्रेजेंट जो है या बर्थडे गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, आपने इतनी मेहनत की है, आपका सिलेक्शन हुआ, पहले आज हकदार बने आप हॉट सीट के इस सीजन के, धन्य है। ओके, ध्यान आपका खेल के ऊपर, मैं अब चाहूँगा कि आप उस पर ध्यान लगाएं, क्योंकि कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। एक तो ये जो दुगदुगी जी हैं ये गायब हो जाएंगे, और यहाँ पर जो हमारा जैकपॉट प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। ये देखिए 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का। आपके पास केवल एक ही लाइफलाइन बची है 50-50 की। समय की कोई पाबंदी नहीं होगी, दुगदुगी जी चली गई तो आप समय लगा सकते हैं जितना आप चाहें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। एक बात ध्यान में रहे, यदि आप 1 करोड़ रुपए जीत गए 15 प्रश्नों का सही उत्तर देकर, और आ गया समय 16वां प्रश्न खेलने का 7 करोड़ रुपए का, उस समय अगर आपके पास कोई बची हुई लाइफलाइन होगी तो भी आप उसका इस्तेमाल न कर पाएंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। केवल एक लाइफलाइन बची है आपकी 50-50 की, और सही उत्तर आपको दे देंगे 6:40। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गणितज्ञ जे या जी एच हार्डी जब एस रामानुजन से मिलने गए थे, तब उन्होंने किस नंबर की टैक्सी कैब ली थी जिसे अब हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाता है? नाउ कॉल्ड हार्डी रामानुजन नंबर, व्हाट वाज द नंबर ऑफ द टैक्सी कैब दैट मैथमेटिशियन जी एच हार्डी टुक व्हेन ही विजिटेड एस रामानुजन? और आपके विकल्प ये रहे आपके सामने, ए 1729, बी 4103, सी 6174, डी 1089। क्या आ रहा है आपके मन के अंदर? रामानुजन को मैं फॉलो भी करता हूँ, उन पर एक मूवी भी आई है, वो फिल्म मैंने देखी भी है, बच्चों को दिखाई भी है। पर्टिकुलरली है कि टैक्सी नंबर के बारे में ज़्यादा ध्यान है, 6 पर मेरा है, वो नंबर 6 से स्टार्ट होता है, ये मेरे दिमाग में तो है लेकिन मैं कंफर्म्ड नहीं हूँ कि ये 6 से ही स्टार्ट होता है। तो मैं अपना लास्ट लाइफ लाइन यूज़ करना चाहूँगा 50-50। आखिरी लाइफ लाइन, कमीरे महाशय ज्ञान राज्य कह रहे हैं कि वो अपनी आखिरी लाइफ लाइन 50-50 इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले उन्हें अंकित कीजिए, 50-50 अंकित हो गया है, और 2 गलत विकल्प मिटा दीजिए। सी गायब हो गया, डी गायब हो गया, बचा है ए 1729, बी 4103। एक सही एक गलत, सही देगा आपको 6:40। खेलिएगा जरूर इस प्रश्न को, क्योंकि आप कुछ खोएंगे नहीं। तो जो सोच रहा था तो चला गया, तो सर ऑप्शन ए 1729 चुन लिया आपने। यस, कंफर्म करना चाहेंगे? कंफर्म। ए और बी में आप कह रहे हैं कि आप कंफर्म हैं ए पे। अंतिम निर्णय आपका? अंतिम निर्णय। कंफर्म कर दिया है कंप्यूटर जी, ज्ञानराज जी ने ए 1729 पे। ताला लगाया जाए। क्या वजह है कि आपने चुना 1729? 1729 एक इंटरेस्टिंग नंबर लग रहा है मेरे को। ऐसा क्यों है? ध्यान में तो नहीं आ रहा है लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है इस नंबर? नंबर इंटरेस्टिंग लग रहा है। माता जी बहुत चिंतित हैं।
होना भी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ₹6,40,000 की विजेता आप बन गए हैं। इस नंबर को हार्डी रामानुजम इसलिए कहा जाता है क्योंकि रामानुजम से बात करते समय हार्डी ने इस संख्या का वर्णन एक डल नंबर के रूप में किया था। डल, रामानुजम ने बताया कि 1729 वास्तव में बहुत ही दिलचस्प संख्या है क्योंकि यह सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो घनों में या घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे? 9³ + 1³ + 12³ = 9³ + 10³। कैसे? देखिए, उन्होंने सोचा ये। ध्यान में आ रहा था कि 9³ 729 होता है। जी जी, इसलिए मैं बोल रहा था कि नंबर मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, ₹6,40,000 आपने जीत लिए हैं। मान्यवर, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है और आ गया है 12वां प्रश्न, ₹12,50,000 का। सही उत्तर हो तो ही खेलिएगा, गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 3-20 पर, लेकिन अगर सही हो गया तो आप ₹12,50,000 जीत जाएंगे। और आप जानते हैं कि ₹12,50,000 कितना महत्व रखता है आपके जीवन। 12वां प्रश्न, ₹12,50,000 आपके स्क्रीन के ऊपर। ज्ञान राज्य ये रहा। आत्मकथात्मक पुस्तक बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? What language was the autobiographical बाबरनामा written in? ऑप्शन सुनिए। ए करखानेत, बी चगताई, सी बाश्कीर या डी उइगुर। ये सब अलग अलग भाषाएं हैं। समय ही समय है, सोच लीजिए। कोई लाइफलाइन नहीं है, सही उत्तर देंगे 12:50, गलत नीचे गिरा देंगे 3:20 में। इनमें से किसी भी भाषा का नाम आपने सुना है? नाम तो सुना नहीं है, बस मन में क्या चल रहा है प्रयास कर रहा हूँ। यानी बाबर जो है चंगेज खान से रिलेटेड थे तो चगताई हो सकता है, मे बी। वो मंगोलिया से भी बिलोंग करते थे तो उइगर का भी एक चांस बनता है। बाकी बास्किर तो कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। और रही बात की बाबर का जो पुराना था, क्या वो कारखाने से कनेक्टेड है या नहीं है, ये कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कारखानीद और बास्किर, ये दो ऑप्शन तो मेरे को नहीं लग रहे हैं। अब लगा ये कि या तो चगताई ही होगा या उइगर होना चाहिए। अगर सही हो गया तो 12:50 जीत जाएंगे, गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे 3:20 पर। वही सोच रहा हूँ सर कि चगताई लग रहा है कि चगताई होना चाहिए। चगताई और उइगर इसी दो में से कोई एक होना चाहिए ऐसा मेरे को लगता है। सोच लीजिए ज्ञान राज जी। बास्केट तो नहीं होगा ये कंफर्म। चार विकल्प हैं, उनमें से आपको एक तय करना है। और एक है कारखानी। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? सर ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए, कारखानी थी। ऑप्शन ए कारखानी थी। सबको आपने एक एक बार चुन करके बोल दिया है। एक आप सोच लीजिए कि देखिए आपके जीवन में 6,40,000 क्या महत्व रखते हैं, फिर आप
एक विकल्प पे उंगली रखिए, कंफर्म कीजिए या क्विट कीजिए। सोचने का समय आपके पास बहुत है। सर ऑप्शन डी उइगर, मैं इसके साथ जाऊंगा। उइगर, उइगर ऑप्शन डी कंफर्म है? कंफर्म है। कमीर महाशय, ऑप्शन डी उइगर को ज्ञान राज जी ने कंफर्म करने को कहा, इसे ताला लगाया जाए। आप कह रहे थे कि बशकीर नहीं है, वो बोलते तो आप गलत होते। आपने कहा था कि करखाने हो सकता है, आपने कहा था चगदाई हो सकता है, वहां भी आप नहीं गए, आप गए उइगुर। माने और बशकीर बोलते या करखिन बोलते तो भी आप सही नहीं होते, आपने कहा है उइगुर। ये गलत उत्तर है। सही है चगताई, जहां पर आपका ध्यान सबसे पहले गया था। तो आप जीत रहे थे 6-40 और आप नीचे आ जाएंगे 3-20 पर। डायरी के रूप में लिखे गए बाबर के संस्मरणों को इस्लामी साहित्य में पहली वास्तविक आत्मकथा माना जाता है। ये मूल रूप से चगताई तुर्की में लिखा गया था। ये भाषा अब विलुप्त हो चुकी है। चगताई कभी मध्य एशिया के विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती थी और भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य के शुरुआती सम्राटों की मातृभाषा भी चगताई तुर्की ही थी। कोई बात नहीं ज्ञानराज जी, आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए और आपकी जो दिनचर्या है, जिस तरह से आप अपने गांव के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, उसकी हम सराहना करते हैं। तो भाई साहब, ये जो आपने धनराशि जीती है, ये डिजिटली ट्रांसफ़र हो जाएगी आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, ट्रांसफ़र नाउ दबाएंगे, 3,20,000 रुपये अंकित कर दिया, कन्फर्म किया और ये शीघ्र से शीघ्र आपके अकाउंट में 3,20,000 रुपये जमा हो गए। एक बार फिर हम आपको बधाई देते हैं, आपके साथ मिलकर, आपकी बातें सुनकर। आप इस काम में अग्रसर हों और भी अपने गांव वालों को, बच्चों को शिक्षित करें और एक दिन आपका नाम और भी उज्जवल हो, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए।